28 में ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे अमेमोरेट किया जाता है. बेसिकली लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, प्लस उन लोगों को भी फैसिलिटेट करने के लिए जो लोग ब्लड कैंसर सर्वाइवर हैं. अगर हम कंपेयर करें इसको सॉलिड कैंसर से, तो सॉलिड कैंसर में मोस्टली डिजीज बहुत लेटर स्टेज में पता लगती है और क्योरेबल नहीं होती है. इन कंपैरिजन ब्लड कैंसर जो होता है अर्ली स्टेज में पता चलता है जबकि बीमारी शुरू हो रही होती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ब्लड कैंसर क्योरेबल होते हैं. प्लस एक और चीज़, ज़्यादा कुछ एक मिथ्स होते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में, ब्लड कैंसर बेसिकली तीन तरीके का होता है, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा. सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होता है इसमें. सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़्यादातर केस में बायोप्सी करके डायग्नोसिस प्रूव करने के लिए किया जाता है. मोस्टली कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या फिर कई बार रेडिएशन थेरेपी की जरूरत होती है. और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. सबको जरूरत नहीं होती, बट कुछ सेलेक्टेड केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है बीमारी को क्योर करने के लिए. तो अगर इससे संबंधित आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं या आप लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, जनरल पब्लिक को हम आपके थ्रू अगर कुछ और अवेयरनेस कर सकते हैं जिससे कि उन लोगों को ब्लड कैंसर के इलाज में आगे एक मदद मिल सके, तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने आया हूँ. और ऐसे रेगुलर कैंपेन हम लोग करते रहते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं. हमें हमारी मैडम हैं यहाँ पे और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर देवीना शीहर सर मुझे डॉक्टर, तो हम लोग इस तरीके के अवेयरनेस करते रहते हैं. डॉक्टर मैडम सरस मलिक हैं, हमारे एचआर हेड हैं, सो उनको भी हम लोग लेके और वेरियस ग्रुप्स में कई बार वेरियस एनजीओस के थ्रू भी हम लोग हेल्प करते हैं और अवेयरनेस पैदा करते हैं. जैसे जो कैंसर्स हैं, फोर कैंसर्स जिनसे ज़्यादा उनको डर लगा रहता है, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर कब कौन सी एज में होता है? अगर ब्लड कैंसर स्पेसिफिकली बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का ब्लड कैंसर फीमेल्स में ज़्यादा होता है. ऑलमोस्ट इक्वल इंसिडेंस होते हैं, कुछ एक का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट इट इज़ मोस्टली कॉमन. और ज़्यादातर ब्लड कैंसर देखा जाए तो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में मिलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एल्डरली लोग होते हैं उसमें होते हैं, MDS, CML, माइलोमा, ये सब एल्डरली लोगों की बीमारी होती है. सिमिलरली कुछ एक ALL होता है जैसे, वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, पीडियाट्रिक ALL. उसके आउटकम भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चों में, जो 1 साल से 10 साल के बीच के बच्चे होते हैं उनको ALL बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है उनका. खाली कीमोथेरेपी से 90% तक बच्चे क्योर करे जा सकते हैं. सर, बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो ऐसा आता है कि टाइम की लगता है कि हाँ अब इस समय बोन मैरो की सिचुएशन है, और उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं? अब एक तो चीज़ होती है कि अगर ब्लड कैंसर की बात करें, कुछ बीमारियां हैं जिनको हाई रिस्क बीमारियां करी जाती हैं, जैसे स्टेजिंग होते हैं सॉलिड कैंसर में, हम कहते हैं कि हायर स्टेज में डिजीज, स्टेज 4 डिजीज है, तो उन केसेस को अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. तो कुछ एक ऐसे ही ब्लड कैंसर में जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू में ही जरूरत पड़ती है, नहीं तो अगर बीमारी वापस आती है कीमोथेरेपी देने के बाद में रिलैप्स होता है, जिसको रिलैप्स बीमारी बोलते हैं, चाहे वो रिलैप्स लिम्फोमा हो, ल्यूकेमिया हो या माइलोमा हो, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट अप्रोच होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कमिटमेंट पेशेंट की तरफ से, पेशेंट के घर वालों की तरफ से चाहिए होता है, प्लस जो एग्रेसिव हाई रिस्क बीमारियां होती है उसी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. सो ये स्टार्टिंग कैसे होती है? सिनेरियो में अगर पेशेंट पेरिफेरी से है तो वुमेन्स का इलाज इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट तो वैसे ही अवॉइड करती है फैमिली. इतना जिस तरह से एक मेल को प्रेजेंट किया जाता है हमारे में, फीमेल उतनी अर्ली स्टेज में नहीं आती हैं, कभी कभी वो इतनी खराब स्थिति में आती है कि हमारे लिए भी कुछ उनके लिए कर पाना मुश्किल है. प्लस फाइनेंशियली बर्डन और उनका अपना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि उनको जो कैंसर हुआ उसके बाद उनकी फैमिली का क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें एड ऑन होती हैं एक फीमेल जब ब्लड कैंसर फेस करती है. टारगेटेड कीमोथेरेपी हम सारे लोगों को इस्तेमाल नहीं करते हैं. सो कीमोथेरेपी हम बिल्कुल सी टारगेटेड कीमोथेरेपी का कुछ एडवांटेजेस होता है, वो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स नॉर्मली नहीं देता है. कीमोथेरेपी के बाद यूजुअली काफ़ी कमजोरी और वॉमिटिंग और बाल गिरता है,
और काउंट्स कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट कम होता है और उसको हम सपोर्टिव केयर देना पड़ता है, मतलब ब्लड और प्लेटलेट बाहर से चढ़ाना पड़ता है। सो टारगेटेड थेरेपी में ये एडवांटेज होता है, ये साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। और टारगेटेड थेरेपी भी एक ड्रग है, उसकी अलग से साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता है। सो हम सबको टारगेटेड थेरेपी नहीं दे सकता है, उसको भी हम चूज़ करना पड़ेगा। ये पेशेंट को कीमोथेरेपी बेटर है, ये पेशेंट कीमोथेरेपी संभाल सकता है, ये पेशेंट कीमोथेरेपी नहीं संभाल सकता है, उसको टारगेटेड थेरेपी बेटर है। सो टारगेटेड थेरेपी एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है सबको। सो किसको हम चूज़ करना पड़ेगा, इस पेशेंट का सबसे बेस्ट एंड सबसे सेफ ट्रीटमेंट क्या है, एंड उसके बाद हम डिसाइड करना पड़ेगा किसको टारगेटेड और किसको कीमोथेरेपी देना। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।